नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपके साथ साक्षी और आप देख रहे हैं नेक्स्ट नाइन लाइव। विनोद खन्ना के बेटे अक्षय खन्ना आज यानी 28 मार्च को अपना 47वां जन्मदिन मना रहे हैं। अक्षय ने बॉलीवुड में अपना डेब्यू साल 1997 में आई फिल्म हिमालय पुत्र से किया। अपने फिल्मी करियर की तरह ही पर्सनल लाइफ को लेकर भी वो काफी सुर्खियों में रहते हैं। क्या आपको पता है कि 47 इयर्स की उम्र में अक्षय खन्ना अभी तक शादी नहीं किए हैं? जी हाँ, कुंवारे हैं। बॉलीवुड के कई सिंगल एक्टर्स में एक नाम अक्षय खन्ना का भी है जो अनमैरिड है। हालांकि बहुत कम लोग जानते हैं कि उनकी शादी बॉलीवुड की फेमस एक्ट्रेस करिश्मा कपूर से होते होते रह गई। बॉलीवुड में कई उतार चढ़ाव देखने के बाद अब अक्षय खन्ना ने OTT पर भी डेब्यू किया था। अपनी लाजवाब एक्टिंग से वो दर्शकों के दिलों में एक खास जगह बना चुके थे। बॉलीवुड में अक्षय खन्ना का एक डेब्यू उनके पिता विनोद खन्ना ने ही कराया था। हिमालय पुत्र के बाद बॉर्डर और ताल जैसी सुपरहिट फिल्में देने के बाद रातों रात स्टार बन गए अक्षय खन्ना को फिल्म दिल चाहता है के लिए बेस्ट सपोर्टिंग एक्टर का अवार्ड मिला था। इसके बाद उन्होंने कभी पीछे मुड़कर देखा नहीं और कई फिल्मों में अपने अभिनय से फैंस का दिल जीता। समय के साथ अक्षय खन्ना की फैन फॉलोइंग भी बढ़ती रही। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक जब अक्षय खन्ना का एक्टिंग करियर का ग्राफ ऊंचाई पर था तो उनका नाम कई अभिनेत्रियों के साथ जुड़ा। कहा जाता है कि अक्षय खन्ना के लिए बॉलीवुड की फेमस कपूर फैमिली से भी रिश्ता आया था। रणधीर कपूर अपनी बेटी करिश्मा कपूर की शादी अक्षय से कराना चाहते थे। हालांकि ये रिश्ता बनने से पहले ही टूट गया क्योंकि करिश्मा कपूर की मम्मी बबीता को इस शादी से एतराज था। बॉलीवुड में उस समय एक्ट्रेस करिश्मा कपूर सबसे सफल एक्ट्रेस में से एक थी। उनका करियर अपने पीक पर था। बबीता नहीं चाहती थी कि करियर के इस मुकाम पर करिश्मा शादी करके घर में बैठ जाए, इसीलिए उन्होंने इस रिश्ते से मना कर दिया। रिपोर्ट्स के मुताबिक अगर बबीता ने रिश्ते से इनकार ना किया होता तो आज अक्षय खन्ना कपूर फैमिली के दामाद होते। ऐसी और अपडेट्स के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।